नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं सेंट्रल हॉल प्रोग्राम पर कुछ कहना चाहूंगा। पिछले सप्ताह इस प्रोग्राम के 5 साल पूरे हुए। इस मौके पर दिल्ली में एक औपचारिक समागम हुआ। तमाम पार्टियों के गणमान्य राजनेता आए, वरिष्ठ पत्रकार और विभिन्न हस्तियां भी थी। इनकी उपस्थिति और फिर राज्यों से आई प्रतिक्रियाओं से मुझे संतोष हुआ तो खुशी भी हुई। लगा कि अपन ने सचमुच कुछ कमाया है। कांग्रेस हो या भाजपा या बाकी पार्टियों के नेताओं मंत्रियों में यदि अपने प्रति सहज रागात्मकता है, अपने प्रति गुडविल है, तो यही अपनी पूंजी है। 35 साल की पत्रकारिता में यही तो पाया है। तटस्थ भाव से यदि पत्रकारिता हो, समाचार विचार और बौद्धिक ललक में मेहनत से काम होता रहे तो अपने आप गुडविल बनेगी। मेरा मानना है कि हर प्रोफेशन में बेसिक ईमानदारी से काम अच्छे नतीजे की गारंटी लिए हुए होती है। 5 साल पहले मैंने जब सेंट्रल हॉल की सोची थी तो मकसद पत्रकारीय धर्म का था। यह सोच थी कि हिंदी दर्शक भी अच्छे कंटेंट या कि विचार जानकारी की चाहना रखते हैं। मुझे ये साबित करना चाहिए कि हिंदी दर्शक सुधी है, समझदार और विचारवान है। अपन सही साबित हुए, तभी सेंट्रल हॉल लोकप्रियता के साथ 5 साल पूरे कर गया। उस पर जैसी जो शुभकामनाएं मिली उसकी झलक आज होगी, मगर उससे पहले गपशप। दिल्ली में सालगिरह पर आयोजित भोज में विभिन्न पार्टियों की बहुरंगी उपस्थिति ने जाहिर किया कि अपने सेंट्रल हॉल प्रोग्राम की तटस्थता की छाप ठोस है। उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ईटीवी के सभी हिंदी, उर्दू और गुजराती चैनल पर प्रसारित होने वाले सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सेंट्रल हॉल के प्रसारण के 5 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के 5 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में चैनल की ओर से एक लंच का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता, पत्रकार, अधिकारी और कॉरपोरेट जगत की हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तोता हरिशंकर व्यास और ईटीवी चैनल हेड जगदीश चंद्रा ने मेहमानों का स्वागत किया। सेंट्रल हॉल कार्यक्रम की रूपरेखा के मुताबिक ही इसकी 5वीं सालगिरह का आयोजन बिल्कुल अनौपचारिक था। सभी पार्टियों के नेता एक साथ बैठे और गपशप की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लंच में शामिल होकर सेंट्रल हॉल प्रोग्राम के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे करने पर बधाई दी। केक काटने के मौके पर राजनाथ सिंह के साथ साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, जनार्दन द्विवेदी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान और जदयू के केसी त्यागी सभी एक साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में राजस्थान के नेता थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव खंडेला और सांसद गोपाल सिंह शेखावत भी पहुंचे। बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और कांग्रेस महासचिव गुरदास कामत भी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। लालू प्रसाद और उनके करीबी सहयोगी
प्रेमचंद गुप्ता ने भाजपा, जदयू और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर दोपहर के भोजन का लुत्फ लिया और नेताओं और पत्रकारों से गुप्तगू की। बाद में लालू प्रसाद भाजपा के संगठन महामंत्री रामलाल के साथ बैठे, जहां उन्होंने भाजपा के महासचिव धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से बिहार और देश की राजनीति पर खूब चर्चा की। भाजपा के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल और राजस्थान की मुख्यमंत्री के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ खूब गुप्तगू की। कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस भी थे। दोनों नेता एक साथ बैठे रहे और कर्नाटक के कुछ दूसरे नेताओं के साथ चर्चा की और भोजन का लुत्फ उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता माखनलाल फोतेदार सेंट्रल हॉल कार्यक्रम के मुरीद रहे हैं। वे भी इसके 5 साल पूरे करने के मौके पर आए और शुभकामना दी। कार्यक्रम के समापन से पहले भाजपा के महासचिव अमित शाह भी पहुंचे और कार्यक्रम के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे करने की बधाई दी। अमित शाह ने संभवतः पहली बार पत्रकारों के साथ बैठकर अनौपचारिक ढंग से राजनीति पर लंबी चर्चा की। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और तमाम नेताओं से खुलकर मिले। आम आदमी पार्टी के सचिव और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य पंकज गुप्ता ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली के हिंदी और अंग्रेजी मीडिया के अनेक वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में शामिल हुए। टीवी के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, दैनिक भास्कर समूह के डॉक्टर भारत अग्रवाल, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा और पंकज बुरा, टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ दिवाकर, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, लोकमत समूह के हरीश गुप्ता और जयशंकर गुप्त, द ट्रिब्यून के केवी प्रसाद, Rediff.com की शीला भट्ट, एशियन एज के वेंकटेश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, कुर्बान अली, विवेक सक्सेना, प्रदीप श्रीवास्तव आदि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और इसकी सफलता पर बधाई दी। भारत के पूर्व गृह सचिव और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल बीपी सिंह की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम में रही, तो पूर्व पेट्रोलियम सचिव आरएस पांडे भी इसमें शामिल हुए। भूटान के पूर्व राजदूत और बिहार सरकार के सलाहकार पवन कुमार वर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।